अस्सलाम वालेकुम आदाब। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज रियासत जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे था। आप तमाम हजरात को पता है कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 तोड़ा गया, 35A छीना गया, और जिससे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया। इसलिए आज हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम परेशान थी, क्योंकि तमाम रियासत जम्मू कश्मीर को वो दिन आज फिर से याद आया और वो जख्म फिर से ताज़ा हुआ। आज रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया था, तो बड़े अफसोस की बात है। आज इसके साथ साथ मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। खास करके बाहर की आवाम तो मुझे देख ही रही है, खास करके मैं अपनी ब्लॉक जिक्यास, ब्लॉक चिल्ली, ब्लॉक ठाठरी, ब्लॉक चराला, ब्लॉक कहरा की आवाम से, तमाम जितनी भी यहाँ की चनाब वैली की ब्लॉक है, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और मैं तमाम हजरात के सामने बड़ी दुख की बातें बताने जा रही हूँ, जिससे मुझे लगता है कि शायद तमाम लोग ही मुतमईन होंगे और उन्हें दुख भी होगा, और तमाम लोग अपनी अपनी राय भी पेश करेंगे। मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज तमाम लोगों को ये लिंक शेयर की दीजिए, ताकि हमारी ब्लॉक कहरा, ब्लॉक जिक्यास, ब्लॉक चिल्ली, ब्लॉक ठाठरी, ब्लॉक चराला, हर ब्लॉक तक ये आवाज पहुंच सके। क्योंकि जो मैं आज बताने जा रही हूँ, आप तमाम हजरात ने मुझे देखा होगा कि हम कभी भी कोई हंगामा खड़ा नहीं करते, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लेकिन आज मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि इस आवाम की परेशानी अब हमसे और देखी नहीं जाती, क्योंकि आवाम ने हमें पूरे भरोसे से, पूरे एतमाद से यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं इस अपनी आवाम पे इतने अत्याचार और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं आप तमाम हजरात के सामने ये बातें रखना चाहती हूँ, और यहाँ से एसीडी साहब को और बीडीओ साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे साल का 8 महीने जा रहे हैं, लेकिन आपने किसी भी ब्लॉक में कोई काम स्टार्ट नहीं किया। मैं एसीडी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले जिस ब्लॉक में मैं रहती हूँ उस ब्लॉक से मैं शुरू करूंगी, कि बीडीओ साहब और एसीडी साहब, हमारी ब्लॉक कहरा के अंदर अगर 1079 काम है, तो बड़ी शर्म की बात है कि अपने आप को बचाने के लिए आपने सिर्फ 3 काम स्टार्ट किए हैं, और साल का 8वां महीना जा रहा है। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी फार फ्लंग एरियाज हैं, वो तमाम बर्फबारी में दब जाएंगे, और हमारी तमाम जितने काम हैं, वो फिर पेंडिंग रह जाएंगे। बीडीओ साहब, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो आप गफलत की नींद सो रहे हैं, खुदारा, इस गफलत की नींद के लिए आपको जॉब नहीं करनी थी, इस गफलत की नींद के लिए आपको आवाम का गला नहीं घोटना था। अगर पूरी ब्लॉक की मैं बात करूं, तो हम अगर आवास प्लस को छोड़ के 3 काम हमारी 30,000 की आबादी में शुरू हुए हैं, तो कितनी शर्मनाक की बात है। मैं बीडीओ साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आज तक हमने मुंह नहीं खोला, लेकिन हम ये सोचते रहे कि इंशाल्लाह बीडीओ साहब खुद समझ जाएंगे। इशारों इशारों में हमने आपको बहुत बोला और बहुत कहा कि शायद आप समझ जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझे, और मुझे आज मजबूरन लायू आना पड़ा, और वो तमाम बातें अपनी पब्लिक के सामने लानी पड़ी जो आप पब्लिक के गले पे पाँव रखना चाहते हैं। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। बीडीओ साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि बताइए, अगर आपको
अच्छा मन लगे कहरा में तो आप बैठ जाते हैं, अच्छा मन लगे ठाठरी में आप बैठ जाते हैं। आप तो अच्छे मजे कर रहे हैं, लेकिन बताइए जो यहाँ की आवाम है, जो बेरोजगार है, कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन वो एमजी नरेगा से अपना 100 दिन का रोजगार कमाते थे, वो आपने कोई घर से नहीं देना था, या एसीडी साहब ने कोई घर से नहीं देना था, लेकिन बताइए आपके, हम ये भी जानते हैं कि जितने भी आपके आरडी डिपार्टमेंट है तो तमाम के जितने भी हैं वो गरीब के खून के पैसों से आपके हाथ रंगे हैं। थोड़ा शर्म करने की बात है आपको। मैं अपनी ब्लॉक जिक्यास की बात करूं, सेम कंडीशन वहां पे भी यही है। मैं ब्लॉक ठाठी की बात करूं तो सेम कंडीशन वहां पे भी है। ब्लॉक चराला की बात करूं वहां पे भी यही कंडीशन है। बताइए, मैं यहां से एसीडी साहब से पूछना चाहती हूं कि बताइए, अगर मैं झूठ कह रही हूं तो पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए कि किस किस ब्लॉक में आपने कितने काम स्टार्ट किए हैं। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आपने कौन सी रिव्यू मीटिंग शुरू की, या कौन सी अपने तमाम डिपार्टमेंट को बुला के तो कौन सी ये मीटिंग शुरू की। मैं यहां से बीडीओ साहब से कहना चाहती हूं कि जितना भी तमाम मटेरियल का पैसा था, आपने उनसे भी अच्छे हाथ अपने रंगे, लेकिन हम खामोश रहे। आपके जितनी भी निचला जो अमला है, जो व्यापार जिसे कहा जाता है, वो अमला बैठा हुआ है, लेकिन आज तक हमने उंगली नहीं उठाई। लेकिन बीडीओ साहब, हम कहना चाहते हैं कि हम बड़े ब्लॉक कहरा ही के लोग नहीं, ब्लॉक जिक्यास की बात करूं, ब्लॉक ठाठी की बात करूं, ब्लॉक चिल्ली की, ब्लॉक जितने भी है, ब्लॉक चराला की बात करूं, बड़े अमन पसंद लोग हैं। कोई भी हंगामा खड़ा करने के लिए हम ऐसा कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन आज आपने मजबूरन हमारा मुंह खुलवाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ की आवाम, 30,000 की आवाम के गले पे पांव रख देंगे। हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। बीडीओ साहब, आपको बहुत सारी ऐसी बातें, जब आप मेरी ये बातें सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि आखिर हमने ऐसा क्या किया है कि जिसके पीछे हम आज हमारी पब्लिक को लायो आना पड़ रहा है, या यहाँ के एक्स बीडीसी, एक्स सरपंच जितने भी हैं उनको लायो आना पड़े और ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बीडीओ साहब, मैं तमाम आवाम को लेके, अपनी जितनी भी मेरी कहरा ब्लॉक की आवाम है उसको लेके एक जन सैलाब की तरह 5 दिन का टारगेट देते हैं। अगर 5 दिन के अंदर हमारे तमाम काम स्टार्ट नहीं हुए तो हम यहाँ पे जन सैलाब की तरह नेशनल हाईवे बंद करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके लिए मैं सबसे पहले मैं खड़ी हो रही हूँ। और मैं वीडियो साहब से ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। बीडीओ साहब, आपने ये सोचा होगा कि आपको दो दो ब्लॉक दे दी एसीडी सर ने, तो आप कहरा में मजे करोगे और कहरा से जी भर जाएगा तो ठाठरी में मजे करोगे। बीडीओ साहब, इसलिए आपको चेयर पे नहीं बैठना था, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, आपको अपना फर्ज निभाना था, जिस जिम्मेदारी के लिए आपने ये जॉब कर रहे थे वो जिम्मेदारी निभानी थी। मैं यहाँ की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपने लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आज वक्त आ चुका है, जितने भी ये, जितना इनका निचला ये अमला है, ये पूरे इस अमले से अपने उस खून का हिसाब लीजिए जितना इन्होंने सदियों से आपका खून चूसा है। आज वो वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह मैं कहरा ही इनकी नहीं, बल्कि ब्लॉक जिक्यास की आवाम के साथ, ब्लॉक ठाठी की आवाम के साथ, ब्लॉक चिल्ली की आवाम के साथ, ब्लॉक चराला की आवाम के साथ, तमाम ब्लॉकों के लोगों के साथ मैं शामिल हूं, और इंशाल्लाह आपके पक्ष में मैं खड़े होने के लिए तैयार हूं। आप अपनी आवाज उठाइए और अपने लिए खुद आवाज बनिए, क्योंकि ये लोग कभी आपका आपका पैसा तो ये आपको देंगे ही नहीं, और ये उम्मीद आप मत रखिए कि ये लोग आपका जो पैसा है वो नहीं आपको दे रहे हैं, और ये बाकी आपका कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा अपने लिए खड़े हो जाइए।
मैं यहां से एसीडी सर को भी ये कहना चाहती हूं कि शायद आप भी गफलत की नींद सो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आपका अमला अच्छा काम कर रहा है तो आपने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला, और अगर ये गलत काम कर रहे हैं आपने कोई भी इनकी रिव्यू मीटिंग नहीं ली, क्यों नहीं ली? आखिर आपने अवाम का इंतजार क्यों किया कि जब अवाम मुंह खोलेगी, जब अवाम सड़कों पे उतरेगी, जब बात पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगी, फिर जाके आपको होश आएगा? मैं बीडीओ साहब को यहां से कहना चाहती हूं कि आइए मेरे साथ ब्लॉक में, पूरी ब्लॉक में आपको अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आइए हमारे साथ चलिए, हमारी पब्लिक के साथ चलिए। मैं आपको यहां से टांटा द्रमन ले जाती हूं, और यहां से मैं आपको नागनी पंचायत में ले जाती हूं, यहां से मैं बाथरी पंचायत में ले जाती हूं, यहां से मैं आपको जोड़ा कला में ले जाती हूं। जोड़ा खुद चलते हैं, यहां की जितनी भी है त्रहकल चलते हैं, बटोगड़ा चलते हैं, द्रूर चलते हैं, कंसौ चलते हैं, इंद्रू चलते हैं, जहां भी है आप तमाम चेक कर लीजिए कि कौन सा काम आपका स्टार्ट हुआ है। अरे एक कोई फोटो लेने से, कोई वीडियोस अपलोड करने से, या कहीं पे झाड़ू मारने की फोटोज लेके कोई भी तरक्की नहीं होती है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती है। मैं बीडीओ साहब से ये कहना चाहती हूं कि शायद आपकी ये रगें सो चुकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम भी देख रहे थे कि कब तक आप गहरी नींद सोओगे। इंशाल्लाह अपनी आवाम को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्लॉक कहरा ही कि नहीं, बल्कि ब्लॉक जिक्यास, ब्लॉक ठाठरी, ब्लॉक चिल्ली, जितनी भी ब्लॉके हैं बड़े संजीदे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, हम सब जागे हुए हैं। हम बस इंतजार कर रहे थे कि आपको होश कब आएगा। आपको होश नहीं आया, आप सोए रहे, आपको जगाना पड़ा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, और मैं ये यकीन रखती हूं कि बीडीओ साहब मेरी ये वीडियोस देख के शायद कोई बीडीओ साहब को गैरत आ जाए, एसीडी सर को गैरत आ जाए, वो काम स्टार्ट करवा दे। अगर काम स्टार्ट नहीं किया तो मैं सचमुच कह रही हूं, चाहे आप इसको कुछ भी समझो, वार्निंग समझो, जो भी समझना है, लेकिन मैं अपनी 30,000 आवाम को लेके सड़क पे एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही हूं, तो इसके जिम्मेदार एसीडी सर का पूरा अमला रहेगा और एसीडी सर खुद रहेंगे। मैं यहां से एसएसपी साहब को भी कहना चाहती हूं और डीसी सर से भी गुजारिश करना चाहती हूं कि मैं एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही हूं, अगर 5 दिन में जितने भी मेरी आवाम के मसाइल हैं वो हल नहीं हुए तो इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ा जन सैलाब लेके अपनी पूरी ब्लॉक खरा की आवाम को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा एक एहतजाज करने जा रही हूं, और जिसके जिम्मेदार ये एसीडी सर और इनका पूरा निचला जितना भी ये पेट पुजारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तमाम इनके जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब और पब्लिक के दुख देखे नहीं जाते, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते, जो बोल भी नहीं सकते, और पूरे दिन यहाँ पे आते हैं तो धक्के खाते हैं बीडीओ ऑफिस के सामने, पूरी धूप में आज खड़े नहीं होने बनता है, लेकिन मेरी माए, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें बच्चों को लेके बीडीओ ऑफिस के सामने पूरे दिन धक्के खाते हैं, लेकिन बीडीओ साहब को टस से मत नहीं होता। लेकिन बीडीओ साहब मैं कहना चाहती हूं कि आप एक माँ के बेटे हो, आप एक बीवी के खावंद हो, आप एक बच्चों के बाप हो, आपको ये एहसास रखना चाहिए कि धूप में अगर आपके बच्चे खड़े नहीं होते, किसी के बच्चों को भी खड़ा आप बीडीओ ऑफिस के सामने मत होने दीजिए। अगर आपका वालिदैन साहब खड़ा नहीं हो सकता तो किसी गरीब बुजुर्ग बाप को भी आप अपने ऑफिस के सामने ऐसे धक्के खाने मत दीजिए, क्योंकि ये जमीर आपको इजाजत नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं तो सोचती हूं कि आपका जमीर भी सो गया है। बीडीओ साहब मैं गुजारिश करना चाहती हूं कि आप जो बड़े बड़े यहां से सीनियर वीडियोस चले गए हैं, आप उनसे रब्ता कीजिए, उनसे देखिए कि उनका काम करने का अंदाजा क्या था। मैं यहां से आपको कहना चाहती हूं कि आपसे उनको पूछ लेना चाहिए कि गरीब आवाम की परेशानी क्या है। अगर आप बड़ी बड़ी होटलों में पिज्जा और बर्गर खाने वाले हैं, लेकिन हमारी यहाँ की देहात के एरिया में जो लोग रहते हैं वो एमजी नरेगा स्कीम से पैसे लेके बेचारे अपना काम करके 100 दिन का रोजगार ढूंढते हैं, वो कोई ऐसे आपकी तरह किसी के खून से हाथ रंगने वाले नहीं है। बीडीओ साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा जल्द से जल्द इस
तमाम अपने अमले पे नजर डालिए और तमाम काम स्टार्ट कीजिए। अगर आपका जेईस काम नहीं करता, अगर आपका पंचायत सेक्रेटरी काम नहीं करता, आपके कोर्ट असिस्टेंट्स काम नहीं करते, तो आपने कौन सी रिव्यू मीटिंग ली, कौन सा आपने उनको बुलाया। मैं आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा अपने लिए खड़े हो जाइए, और जहां जहां लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि तमाम उन लोगों को हौसला मिले जो हौसला तोड़ के बैठ चुके हैं। क्योंकि इस साल का आठवां महीना जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग तो हौसला तोड़ के बैठ गए होंगे कि शायद हमें अब एमजी नरेगा 100 दिन का रोजगार नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं अपनी पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि आपको जो एमजी नरेगा की 100 दिन का रोजगार है, वो इन्होंने घर से नहीं देना है, वो हमारा पैसा है, और हम इस पैसे को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं है। अपनी तमाम गरीब आवाम को ये इंसाफ दिला के रहेंगे। और लास्ट में मैं डीसी सर से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ और एसएसपी साहब से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम अगर 5 दिन के अंदर एसीडी साहब ने इन तमाम काम को स्टार्ट नहीं किया, तमाम ये हमारी जितनी मुश्किलात थे इनको हल नहीं किया, हमारी आवाम की इन मुश्किलातों पे नजर नहीं डाली, तो हम बहुत बड़ा एक जन सैलाब लेके नेशनल हाईवे कहरा को बंद करने जा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार एसीडी सर, बीडीओ और तमाम उनका अमला रहेगा। थैंक यू सो मच।